अगर तुम किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो हो सकता है उसका नतीजा शायद तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इमेजिन बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए छाता तक नहीं, तो अब इसके काफी चांसेस हैं कि तुम बीमार पड़ जाओ। तुम्हारे आसपास कोई नहीं है जिस रास्ते पर तुम हो, सिवाय उस एक आदमी के जो तुमसे थोड़ा दूर चल रहा है। उसके पास छाता भी है। इतनी तेज बारिश में तुम उस आदमी से मदद मांगने के लिए उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना तेज चल सकते हो, दौड़ सकते हो। वो आदमी तुमसे दूर जाया जा रहा है और कुछ देर बाद उसकी मदद लेने के लिए उसका पीछा करते करते तब तुम्हें लगता है कि कुछ तो बहुत अजीब है। अभी तो मैंने बहुत छोटी सी कहानी बताई है, इस कहानी में आगे चल के बहुत सारे डार्क सीन आने वाले हैं, लेकिन मैं अभी एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो भी चीज तुमने इमेजिन करी, मैं बताना चाहता हूं वो चीज असल में किसी के साथ हुई है। मसूरी में एक टीनेज लड़का जिसका नाम अमन है, एक सीधा साधा सा स्टूडेंट जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अमन घर के कुछ सामान के लिए घर से थोड़ा दूर मार्केट में आया हुआ था। जब वो घर से निकला था तब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो मार्केट तक पहुंचता है उसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके पास छिपने के लिए, बारिश से खुद को बचाने के लिए कोई साधन नहीं था। खुद को जैसे तैसे अपने हाथों से सर को ढककर घर जाने की कोशिश कर रहा था और तब वो चलते चलते उस रास्ते पर देखता है, उसे एक अनजान सा रास्ता देखने को मिलता है। उस रास्ते पर कोई अनजान आदमी जा रहा था और उसके हाथ में एक छाता भी है। पहली नज़र में देख के लगता है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा पास है और उससे मदद ली जा सकती है, इसलिए वो उस अनजान रास्ते पर चला जाता है उस आदमी की मदद लेने के लिए। अमन यहाँ से उसकी तरफ चलने लगता है, पर जैसे जैसे अमन उस तरफ जा रहा था वो आदमी उससे बहुत ज़्यादा दूर जाया जा रहा था, जिसके बाद अमन उसकी तरफ भागना शुरू करता है ताकि उस आदमी की मदद ले सके अपने घर तक जाने के लिए। अमन ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता था क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज थी और ज़रा सी एक चूक से वो सीधे नीचे खाई में जा गिरता, जहाँ से शायद उसकी लाश भी ना मिले। अमन बताता है कि वो आदमी नॉर्मल चलता हुआ जा रहा था और मैं भागने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वो ज़ोर से उस आदमी की तरफ चिल्लाता है और तभी उसकी आवाज़ से वो आदमी उसकी तरफ घूम जाता है। तभी अमन को भी एक बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और डिस्टर्बिंग चीज़ देखने को मिलती है। वो देखता है उस आदमी के हाथ में छाता था और वो उससे खुद को कवर भी कर रहा था, लेकिन तब भी वो आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी आंखों पर से और बालों से पानी टप टप करके गिर रहा था। वो आदमी उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उसे इग्नोर कर देता है। उसका हुलिया थोड़ा अलग था, उसकी उम्र लगभग 60-65 के आसपास की होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। ये देखकर अमन और भी ज़्यादा डर गया था क्योंकि ऐसा कुछ पहले कभी देखा नहीं था उसने। वो वापस से पीछे जाने लगता है जहाँ से वो आया था। उसे उस अनजान रास्ते के बारे में पता नहीं था कि कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, क्योंकि पहली बार उसने ये रास्ता देखा था। उस रास्ते पर चलता हुआ वो काफ़ी आगे तक आ चुका था। जब वो वापस जाने लगता है अपने घर की तरफ तो उसे सुनाई दिया कि उसके पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे वो चल रहा था वो आवाज़ आ रही थी। डर के मारे उसने पीछे मुड़ के देखा ये देखने के लिए कि वो आदमी उसके पीछे तो नहीं, तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने वहाँ एक बात और नोटिस की, वो छाते वाला आदमी जो चले जा रहा था वो अब रुक चुका है और अमन को घूर रहा है, पर अमन ने ये सब चीज़ें इग्नोर करी और वापस से जाने लगा और इस बार वो थोड़ा तेज चलना शुरू कर देता है।
और जैसे ही उसने भागना शुरू किया तब उसे फिर से अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अमन घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसका गला सूख चुका था लेकिन अचानक से वो आदमी अब उसके काफी करीब आ चुका है। वो उसे साफ साफ देख पा रहा था इतनी तेज बारिश में भी। उस आदमी को इतना पास देख के अमन की हालत खराब हो जाती है। जब वो डरते हुए वहां से भागे जा रहा था तब उसके साथ और भी क्रीपी चीज हो जाती है। वापस जाते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। इस बार आवाज के साथ साथ उसे ये महसूस हो रहा था। अमन ने सोच लिया था कि अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, पर वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो एक जगह रुक के फिर से पीछे मुड़ के देखता है और उसे आवाज आ रही थी जैसे छाते पर पानी बरस रहा हो। इस बार वो आदमी अमन के बिल्कुल पीछे ही खड़ा था, उसी भीगी हुई हालत में जो उसने देखा था। वो आदमी अमन को देख के हल्के हल्के मुस्कुराने लगता है। उसे देख के वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो अपने कदम पीछे की तरफ रखता वो आदमी उसकी तरफ आने की कोशिश करता। अमन रुकता तो वो भी रुक जाता। वो घबराता हुआ जैसे ही अपनी तरफ पलटता है तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है और अमन की चीख निकल जाती है। जैसे ही कंधे पर हाथ रखे हुए आदमी को देखता है तो एक पल के लिए वो डर गया। वो एक पुलिस वाला था जो उसे रोक लेता है। वो पुलिस वाला उस लड़के को डांटने लगता है कि तुम इतनी बारिश में इस सुनसान रास्ते पर आवारागर्दी क्यों करने आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। असल में अमन के मम्मी पापा ने ही पुलिस को भेजा था यहाँ क्योंकि काफी देर हो गई थी और वो घर वापस लौट के नहीं आया था। और फिर अमन पुलिस वाले को बताता है कि वो यहाँ आवारागर्दी नहीं कर रहा था। उसको एक आदमी दिख रहा था इतनी बारिश में एक छाते के साथ, जिसकी मदद के लिए वो इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वो पुलिस वाला अमन को थोड़ा और डांटने लगता है कि शायद तुझे तेज बारिश की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये रास्ता अभी बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका। अगर तू यहां से थोड़ा और आगे जाता तो तू सीधा जाके खाई में गिरता। वो देख आगे कुछ नहीं है। अमन जो कि पहले से ही डरा हुआ था इस बात के बाद और ज्यादा डर जाता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहता तो शायद नीचे भी गिर सकता था और उसकी वहीं मौत हो जाती। अमन ने पुलिस वालों को बताना चाहा कि एक बूढ़ा सा आदमी जो उसका पीछा कर रहा था, जिसकी हरकतें डराने वाली थी। पुलिस वालों ने ये बातें सुन के उसे कुछ नहीं कहा और इस बात को यहीं इग्नोर कर दिया। एक तो पुलिस वालों को वहां पे कोई आदमी दिख नहीं रहा था और उन्हें यह भी लगा कि अमन डांट से बचने के लिए ये सब कहानियां बना रहा है। अमन बार बार उन्हें बताता रहा पर वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने अमन को जीप में बैठाया और वापस से घर की तरफ जाने लगे। और जैसे ही अमन उस पुलिस जीप में बैठा तब वो देखता है कि उस जीप के साइड मिरर में फिर से वो बूढ़ा आदमी छाता लिए दिखाई देता है, जो उसे देखकर अभी भी क्रीपी स्माइल दे रहा था। जैसे ही जीप चलती है और आगे की तरफ जाने लगती है तब वो उसे साइड मिरर से साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहा था। जीप की स्पीड अच्छी खासी थी और वो बिना भागे गाड़ी के साथ साथ नजर आ रहा था। और थोड़ी देर में अमन देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसी खाई में जाके कूद जाता है, जहां पर वो भी गिर सकता था अगर पुलिस वाले टाइम से ना पहुंचे होते तो। अमन ने जब अपनी ये कहानी लोगों को बताई तो लोगों का ये कहना था कि वो एक आत्मा थी जो खाई में गिरे हुए उस बूढ़े आदमी की थी। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इस कहानी से एक बात जो समझ में आई कि कभी भी किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान हमेशा हमारा ही होता है और किसी का नहीं। और उसे फिर से वो बरगद का पेड़ दिखाई देता है जिसे थोड़ी देर पहले तक वो इत्तेफाक समझ रहा था, पर विनय समझ गया था कि ये कोई मेरा इत्तेफाक या वहम नहीं है। और उस पेड़ को क्रॉस करने के बाद
उसे फिर से वही औरत दिखाई देती है, वहीं हाईवे के किनारे लेफ्ट साइड में। इसके बाद से ये राइड और भी ज्यादा क्रीपी और डार्क होने वाली है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये विनय नाम के लड़के ने हमसे शेयर की है, और हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आज रात आपको ठीक से नींद ना आए। विनय बताता है ये बात 14 दिसंबर 2016 की है, जब वो अपने होम टाउन इंदौर की तरफ जा रहा था। विनय अपनी बुलेट बाइक पर था और रात के समय उसकी बुलेट हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। अब सवाल ये आता है कि रात को ही क्यों? तो विनय ने बताया कि दिन के समय ट्रैफिक ज़्यादा होता है और वो अपनी बुलेट राइड को खाली सड़कों पर इंजॉय करना चाहता था। काफ़ी देर तक तो उसने ये राइड खूब इंजॉय भी की थी, क्योंकि जिस हाईवे से वो जा रहा था वो हाईवे उस रात एकदम खाली था, एकदम खाली। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। कुछ देर तक बुलेट चलाते हुए वो एक चीज़ नोटिस करता है कि शायद उसने हाईवे के किनारे लेफ्ट साइड में अभी अभी किसी फिगर को देखा है, पर क्योंकि वो तेज़ स्पीड में था तो उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसको कोई वहम हुआ होगा और वो इस बात को इग्नोर करके आगे चला गया। रात की ठंडी हवा में उसकी बाइक दौड़ रही थी, पर उसे थोड़ी देर बाद फिर से वहीं लेफ्ट साइड के किनारे पर एक फिगर खड़ी दिखाई दी। उसने फिर से इग्नोर कर दिया कि शायद फॉग वगैरह की वजह से उसे कुछ ऐसा नज़र आया हो। उसने खुद को समझाते हुए सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर दूसरी बार ऐसा लगने के बाद वो थोड़ा बहुत चौंकना तो हो ही जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना हो, वो उस पर हमला ना कर दे। इसके बाद उसने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो वो अपनी बाइक को कंट्रोल कर पाए। इसके बाद थोड़ा और आगे चला और इस बार फिर से उसे वही फिगर दिखाई दी अपने लेफ्ट साइड हाईवे पर। बार बार उसे वो दिखाई देने के बाद उसने ध्यान दिया कि वो फिगर उसे हर 2.5 किलोमीटर बाद नज़र आ रही थी। उसने गूगल मैप लगाया हुआ था, ये उसने वहीं से नोटिस किया। तीसरी बार दिखाई देने के बाद उसे इतना तो पता चल चुका था कि ये फिगर वही फिगर है जिसे वो 2 बार पहले देख चुका है या उसे एहसास हो चुका है। इस बार बाइक की स्पीड कम थी तो उसने देखा कि वो उसका वहम नहीं था, वो सच में एक बूढ़ी औरत की फिगर थी। इस सुनसान हाईवे पर वो देखकर विनय की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो बाइक को जितना तेज भगा सकता था उसने भगाने की कोशिश की। आसपास से कुछ जंगली जानवरों की और कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी। विनय ने यह भी बताया कि जब तीसरी बार उस औरत को देखा और जब उससे आई कॉन्टैक्ट किया तो उस औरत की आंखें चमक रही थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये सब कुछ एक सेकंड के लिए ही देखा उसने। इसके बाद वो बाइक को भगाते हुए सोच रहा था कि अभी कितनी दूर और है उसका होम टाउन यहाँ से। उसने गूगल मैप में देखा तो अभी भी कम से कम 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना बाकी था। वो इसी स्पीड से चलता रहा तो कम से कम भी 2 घंटे तो लगेंगे ही। और उस लेडी को देखने के बाद विनय की नज़र गूगल मैप पर ही थी। हर एक कम होते किलोमीटर पर उसकी नज़र जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक जो राइड उसे अच्छी लग रही थी अब उससे खौफनाक कुछ नहीं था। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है और वो अब कर क्या सकता है। और इसी सफ़र में रास्ते में चलते हुए वो एक चीज़ और नोटिस कर रहा था, जिसे पहले वो शायद इत्तेफाक समझ रहा था, लेकिन उस औरत के दिखने के बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती है। जितनी बार भी उसने उस लेडी को देखा था उससे थोड़ा पहले हर बार उसने एक बड़े से बरगद के पेड़ को देखा था। तीनों बार पहले तो उसे लगा कि हो सकता है कि इस हाईवे पर इस तरह के पेड़ हों और शायद वो ज़्यादा ही सोच रहा है, पर जैसे जैसे वो उस बारे में सोच रहा था उसका दिमाग और भी ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा था। इतने में फिर से 2.5 किलोमीटर हो चुके थे और उसे फिर से वो बरगद का पेड़ दिखाई देता है जिसे थोड़ी देर पहले तक वो इत्तेफाक समझ रहा था। पर विनय समझ गया था कि ये कोई मेरा इत्तेफाक या वहम नहीं है, और उस पेड़ को क्रॉस करने के बाद उसे फिर से वही औरत दिखाई देती है, वहीं हाईवे के किनारे लेफ्ट साइड में। इसके बाद से ये राइड और भी ज़्यादा क्रीपी और डार्क होने वाली है। ये चौथी बार था जब उसे वो औरत दिखाई देती है।
और इस बार तो उसकी बाइक एकदम उसके सामने जाके अचानक बंद पड़ जाती है। विनय कोशिश भी करता है बाइक स्टार्ट करने की, पर वो स्टार्ट नहीं होती और इस वजह से उसकी नज़र फिर से उस औरत से मिल जाती है। और इस बार और भी ज़्यादा क्रीपी चीज़ उसे दिखाई देती है। वो देखता है कि उस बूढ़ी औरत की लेफ्ट वाली आँख से खून निकल रहा है। उसके लेफ्ट वाला हाथ ऐसा जैसे बुरी तरह से जल चुका है और लेफ्ट वाला पैर ऐसा जैसे उसकी चमड़ी कटी फटी हो और वहाँ से खून बह रहा था। उसके शरीर से खून टिप टिप करता हुआ ज़मीन पर गिर रहा था। और इतना ही नहीं, जब उसने उसके राइट हैंड को देखा तो उसके हाथ की सारी उंगलियां कटी हुई थी। उस औरत ने कुछ नहीं किया, बस अपनी जगह पर खड़ी विनय को घूरे जा रही थी। उसने अपनी पलके तक नहीं झपकाई। ये सब देखने के बाद विनय की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन जब उसने उस औरत को अच्छे से देख लिया तो अचानक से उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। इस बार उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी, पर उसने ज़्यादा लॉजिक ना लगाते हुए बाइक को भगाना शुरू किया। और जब उसके सामने से गुजरा तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है। उसे अपने पेट पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा उसका पेट दबा रहा हो या उसकी शर्ट को बहुत तेज टाइट तरीके से खींच रहा हो। उसे लगने लगा ये ज़रूर उस औरत की वजह से हो रहा है, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता या उसकी हिम्मत नहीं होती, वो चलता चला जाता है। पर थोड़ी देर में विनय को अपने पेट पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर महसूस होता है, जिसकी वजह से उसे पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि ऐसा क्या है जो उसे ये सब फील हो रहा है। तब वो देखता है कि वही औरत उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई है। जैसे ही विनय ने पीछे देखा तो उसके राइट हैंड से, जिसकी सारी उंगलियां कटी हुई थी, अपनी लेफ्ट वाली आंख को निकालने की कोशिश कर रही थी। और विनय बताता है कि उस वक्त उस औरत ने इतनी बुरी तरह से चिल्लाया कि इतनी तेज आवाज शायद ही उसने अपनी जिंदगी में कभी सुनी हो। इतने में वो बरगद का पेड़ जो पांचवी बार देखा था वहां तक पहुंचते ही उसे थोड़ा नॉर्मल सा फील होने लगता है। जो भी महसूस कर रहा था अचानक से सब शांत। बाइक के पीछे जो औरत बैठी थी वो भी अब वहां पे नहीं थी। फिर उसे लग रहा था कि आगे वही औरत खड़ी होगी, क्योंकि पहले बरगद का पेड़ दिखता है और फिर वो औरत। पर उसके पास आगे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार भी जब उस पेड़ से आगे बढ़ा उसे फिर से वही औरत खड़ी दिखाई देती है। पर विनय ने सोच लिया था कि मुझे बाइक को तेज चलाना होगा। गूगल मैप दिखा रहा था कि अभी भी 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगेगा। पांचवी बार उस औरत को क्रॉस करने के बाद उसे हुआ तो कुछ नहीं, पर अब जो हुआ वो बहुत ज़्यादा डरावना था। इस बार उसे वो औरत अपने चारों तरफ दिखाई देने लगी। कभी लगता कि पीछे बैठी है, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी आगे, कभी पीछे, उसे हर जगह वही दिखाई दे रही थी। वो बरगद का पेड़ भी जो पहले लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा था अब राइट साइड में भी दिखाई देने लगा। ये सब देख के वो अपनी बाइक को रोक लेता है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो खड़े खड़े गिर जाता है, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी। अब वो सीधा सुबह उठता है और जैसे ही वो उठता है उसे अपने माँ बाप की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कुछ घंटों के सफ़र में पूरी रात होने के बाद भी विनय घर नहीं पहुँच पाया। ये बात उसके घर वालों को अजीब लगी। उसके घर वालों को लगा कि कुछ तो बात है। तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं हाईवे की तरफ। वो कॉल कर रहे थे पर विनय का फ़ोन नहीं लगता। ये लोग यहाँ से चलते चलते काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं, ये समझ लो इस हाईवे के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर विनय अपनी बाइक के साथ बेहोश पड़ा दिखाई देता है। उसे गाड़ी में बिठाया और पापा विनय की बाइक स्टार्ट करके गाड़ी के पीछे पीछे हो लेते हैं। गाड़ी में बैठे बाकी लोग विनय को उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लग रहा था कि विनय ने शायद ड्रिंक की हुई है, जिस वजह से उसका ये हाल हुआ है। विनय ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है अगर मैं आपको बताता भी हूं तो आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, पर मुझे ये बताओ कि मैं आपको कहां मिला, क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से मैं तकरीबन 50 किलोमीटर चल चुका था। घर वाले कहते 50 किलोमीटर, तुम तो वहां से 3-4 किलोमीटर से आगे बढ़े ही नहीं थे। जहां तुम पड़े मिले थे मैं, वो वहीं का ही एरिया था।
जिसके बाद विनय ने अपना मोबाइल चेक किया पर उसका पूरा फोन रीसेट हुआ पड़ा था। विनय कांपने लगा। घर वालों को जब थोड़ा थोड़ा बताया तो उन्होंने भी उसकी बात समझी, और जो बात किसी को समझ नहीं आई वो बात थी 2.5 किलोमीटर वाली मिस्ट्री, बरगद के पेड़ वाली मिस्ट्री। वो औरत कौन थी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया इस बारे में। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ हुआ होगा या ये सिर्फ उसका वहम है? एक बात जो मुझे पता है और शायद आपको भी, प्रकृति हमें हमारे हर सवाल का जवाब नहीं देती, कुछ रहस्य रहस्य ही बने रह जाते हैं।